हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में हमने देखा था किसी भी पॉइंटर को बनाने के लिए हमें क्या सिंटैक्स लिखना होता है। तो अगर हमें एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना है तो हम क्या लिखते हैं, इंट स्टार पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आंसर। अगर आंसर वेरिएबल का एड्रेस हमें एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो हम ये सिंटैक्स लिखा करते हैं। और हमने दो ऑपरेटर्स देखे थे, दैट इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के एक्चुअल में किसी भी वैल्यू का एड्रेस कैसे निकालते हैं, एड्रेस ऑफ आंसर से या एड्रेस ऑफ पॉइंटर से। और दूसरा ऑपरेटर देखा था डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, यानी एस्ट्रिक ऑपरेटर। इससे क्या होता है, जो भी उस पॉइंटर में एड्रेस पड़ा होगा उस एड्रेस की वैल्यू हमें मिल जाएगी, डी रेफरेंस कर लेंगे हम वैल्यू को। अब हमारी जो डिस्कशन होनी है इस वीडियो में वो किस बात पर होनी है कि अगर हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया तो हमने ये सिंटैक्स लिखा, इंट स्टार पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आंसर। तो क्या ये स्टार लिखना जरूरी था? क्या कंपाइलर को हमें बताना जरूरी था कि जो हमारा पॉइंटर है वो एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो इंट स्टार लिख दो? क्या सिर्फ इंट पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आंसर से काम नहीं चल जाता? तो अब देखो यार, अगर हम एक इंट स्टार इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आंसर लिख देंगे तो इसमें गलती क्या हो गई? लेट सपोज अभी जो हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल देखा था उसमें तो जो वैल्यू स्टोर थी आंसर वेरिएबल में वो कौन सी वैल्यू थी, डेट इज 5, और जो उसका एड्रेस था वो था 4K। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक लेट सपोज इंट वैल नाम का वेरिएबल बनाओ और उसमें 4K स्टोर कर दो, और दूसरी तरफ आप अपना पॉइंटर बना रहे हो जो अभी के लिए आप एज्यूम कर रहे हो कि आपने बिना स्टार लगाए इंट पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आंसर में जो भी एड्रेस था वो स्टोर करवा लिया अपने पॉइंटर में। तो इन दो लाइनों से हुआ क्या, इससे एक इंटीजर टाइप का वैल्यू बनी जिसमें 4000 स्टोर है। इसमें क्या हुआ, एक पॉइंटर बना आपके हिसाब से जिसमें एड्रेस स्टोर है एक आंसर वेरिएबल का जिसका एड्रेस है 4K। तो क्या आप इन दोनों बातों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, आप इन दोनों बातों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि एक डब्बा बना है वैल्यू नाम का उसमें 4000 स्टोर है, दूसरा डब्बा बना है पीटीआर नाम का उसमें भी 4000 स्टोर है। अब मैं कैसे पता लगाऊं ये जो 4000 है ये एक्चुअल में वैल्यू है, ये जो 4000 है ये एक्चुअल में एड्रेस है, हमें कैसे पता लगे? तो ये जो आप करवा रहे हो अभी काम, दैट इज इंट पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आंसर, ये हमारी C++ के डेवलपर्स ने मना कर दिया कि एक पॉइंटर को सिर्फ ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। कि इंट पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आंसर लिखने से क्या हो रहा है, हम बता नहीं पा रहे भाई ये जो 4000 स्टोर है ये एड्रेस है या वैल्यू है। तो एक बार दिखा भी देता हूँ कि कंपाइल टाइम एरर आएगा कि आखिरकार अगर मैं इंट स्टार की जगह सिर्फ इंट लिख दूँ और मैं एड्रेस स्टोर करवाना चाहूँ तो क्या एरर आने वाला है। आओ देखते हैं, एरर क्या आया, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट स्टार टू इंटीजर। यानी एक इंटीजर पॉइंटर की वैल्यू हम एक इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं, ये होना पॉसिबल नहीं है, तो एक एरर थ्रो करी जा रही है हमें, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो डिस्कस कर लिया कि पॉइंटर बनाना हुआ तो हमें कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा क्या कि एक पॉइंटर है इंटीजर को पॉइंट करने वाला। तो इंट स्टार लिखने से हम कंपाइलर को बता पा रहे हैं जो हमने पीटीआर बनाया है वो जो स्टोर कर रहा है वो एड्रेसेस है ना कि वैल्यूज। तभी तो हम अगर एड्रेस स्टोर कर पा रहे हैं तो हम डी रेफरेंसिंग कर पा रहे हैं। तभी तो अगर हमने यहाँ पर 4K स्टोर करा तो हमने एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर लिखने से क्या हो पाया, हमें जो ये एड्रेस है 4K इस पर जो वैल्यू पड़ी है वो हम प्रिंट कर पाए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करने से पहले, दैट इज हमें इंटीजर क्यों लिखना पड़ा इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, हम डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं C++ में। तो हमने कुछ कुछ डेटा टाइप्स देख रखे हैं, जैसे कि एक लेट सपोज डबल टाइप का, हम पहले तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक दोबारा से इंटीजर बना लेता हूँ, लेट सपोज आई और उसमें वैल्यू शोड है 5। एक पॉइंटर बनाया इंट स्टार, उसका नाम दे दिया IP और उसमें इसका एड्रेस शोड है। अब जो पहले कर रहे थे डेट इज आंसर को, डेट इज आई को प्रिंट करवाना एंड एड्रेस ऑफ आई को प्रिंट करवाना एंड पॉइंटर को प्रिंट करवाना, और इस बार पॉइंटर का एड्रेस छोड़ देते हैं, डायरेक्टली हम करते हैं एस्ट्रिक ऑफ पॉइंटर, दैट इज डी रेफरेंस करना। ये चार चीज़ें हम कर रहे थे। तो एक बार इसको दोबारा से चला के दिखा देता हूँ, 5 वैल्यू जो है वो पहले प्रिंट होएगी, फिर एड्रेस प्रिंट होएगा इंटीजर का, फिर जो IP में यही सेम एड्रेस है तो मतलब दो बार एड्रेसेस प्रिंट हो जाएंगे एंड लास्ट में 5 दोबारा प्रिंट होने वाला है।
ठीक है, फाइव प्रिंट हो गया, एक एड्रेस प्रिंट हुआ, फिर दोबारा एक एड्रेस प्रिंट हुआ, और फिर दोबारा फाइव प्रिंट हो गया। और ये जो दोनों एड्रेसेस है ये सेम है, क्योंकि जो फाइव बना होगा जिस भी एड्रेस पे बना होगा वो ये हमने अपने पॉइंटर में स्टोर करवा रखा है। तो अब क्या सिमिलरली बाकी किसी डेटा टाइप के लिए हम ये सेम काम कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो अगर एक हम डबल बनाएं, उसमें लेट सपोज डी नाम दे दिया उस डबल वैल्यू को, और उसमें स्टोर करवा दिया 50.0, तो क्या मैं इसको पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर बना सकता हूँ? तो मेरा आंसर है हाँ बना सकता हूँ। और कैसे? अगर डबल को पॉइंट करना है तो डबल स्टार, और डबल को पॉइंट करने वाले पॉइंटर का नाम डी पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ डी। अब जैसे काम यहाँ पे करा था वैसे काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी डी को प्रिंट करना, एड्रेस ऑफ डी को प्रिंट करना, डबल के पॉइंटर को प्रिंट करना, और एस्ट्रिक ऑफ डबल पॉइंटर। सिमिलरली और किसी भी डेटा टाइप के लिए भी लेट सपोज एक बोलियन टाइप का बनाते हैं वेरिएबल, बी नाम दे देते हैं, उसमें ट्रू स्टोर कर लेते हैं। अब इस डबल टाइप सॉरी इस बोलियन टाइप के हम वैल्यू को पॉइंट करने के लिए, एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं बोलियन स्टार बोलियन पॉइंटर, और उसमें स्टोर कर लेते हैं एड्रेस ऑफ बोलियन। अब सेम काम दोबारा करते हैं, दैट इज बोलियन की वैल्यू प्रिंट करना, उसका एड्रेस प्रिंट करना, बोलियन पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करना, और बोलियन पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी है उसको डी रेफरेंस करना। तो अब इन तीन स्टेटमेंट्स को चलाकर देखते हैं क्या प्रिंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमने जो इंटीजर वाला काम कर रखा था वो प्रिंट हो गया, फिर क्या प्रिंट हुआ? फिर डबल की वैल्यू प्रिंट हुई, डबल का एड्रेस प्रिंट हुआ, फिर उसको पॉइंट करने वाला एड्रेस दैट इज पॉइंटर का जो वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है दोबारा से एड्रेस सेम प्रिंट हो गया, एंड दोबारा डी रेफरेंस करने से ये जो 50 है ये दोबारा प्रिंट हो गया। मतलब जो वैल्यू स्टोर हमारा हो रखी है हमारे डबल वैल्यू में डी वैल्यू में वो प्रिंट हो गई डी रेफरेंस करने से, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। लास्ट में क्या कर रखा है हमने? बूलियन को प्रिंट कर रखा है, तो बूलियन को प्रिंट करेंगे तो वन प्रिंट कर रहा है हमारा कंपाइलर, फिर एड्रेस प्रिंट कर रहा है, फिर दोबारा एड्रेस, एंड फिर दोबारा वन प्रिंट करा जा रहा है। तो काम सेम हो रहा है जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे C++ में इन सारे डेटा टाइप्स का जो मैंने अभी बनाया है इनका मेरे को बाइट्स बता दो कि कितनी कितनी बाइट्स लग रही हैं, तो हमें वैसे तो पता है कि एक इंटीजर नॉर्मली किसी भी कंपाइलर में 4 बाइट्स लेता है, एक डबल 8 बाइट्स लेता है, एक बोलियन टाइप का वेरिएबल 1 बाइट लेता है। तो इसको प्रिंट अगर मैं करूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताने के लिए जानने के लिए एक हमारे पास ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। उसमें क्या पास होएगा? उसमें जिस भी पैरामीटर का हमें साइज निकालना है वो पास कर दो। तो आई वेरिएबल का साइज निकालना है, या फिर अगर हमें इंटीजर का साइज निकालना होता, यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ अभी के लिए, और हमें अगर सिमिलरली साइज ऑफ डी निकालना है, सिमिलरली साइज ऑफ बूलियन वैल्यू का साइज निकालना है, तो क्या क्या प्रिंट होने वाला है? इंटीजर का साइज 4 बाइट्स तो 4 प्रिंट होएगा, डबल का साइज 8 बाइट्स तो 8 प्रिंट होएगा, बुलियन का साइज 1 बाइट तो 1 प्रिंट होने वाला है। देख भी लेते हैं, 4, 8 और 1 प्रिंट हो गया, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा प्रिंट हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एक इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है, अगर एक डबल 8 बाइट्स ले रहा है, अगर एक बुलियन 1 बाइट ले रहा है, तो क्या मुझे जो पॉइंटर बनाना है उसमें डेटा टाइप बताने की जरूरत है? क्या मुझे डेटा टाइप बताने की जरूरत है? क्या मुझे डेटा टाइप बताने की जरूरत है? और मेरा आंसर होगा हाँ, डेटा टाइप बताने की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ एड्रेस स्टोर नहीं कर रहे, हम सिर्फ पहली बाइट का दैट इज जो 5 है, जो 4 बाइट्स बनी होंगी उसमें जो पहला एड्रेस होगा 4 के, सिर्फ यही काम स्टोर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, हम और क्या काम कर रहे हैं? हम डी रेफरेंसिंग भी कर रहे हैं। हम इस पॉइंटर के थ्रू जो इस एड्रेस में इन 4 बाइट्स में वैल्यू पड़ी होंगी उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 निकालने की कोशिश करी जा रही है यूजिंग पॉइंटर। सिमिलरली जो 50 है वो निकालने की कोशिश करी जा रही है यूजिंग पॉइंटर, जो ट्रू पड़ा है वो निकालने की कोशिश करी जा रही है यूजिंग पॉइंटर। अब मेमोरी में कैसे दिख रहा होगा, ये डबल जो बना होगा 8 बाइट का बना होगा, उसका लेट सपोज एड्रेस है 6 के, तो 8 बाइट्स में किसी तरह हमने 50 स्टोर कर रखा है, वो हमें जानने की जरूरत है नहीं किस तरह हमने 50.0 स्टोर करा है। और जब हम लिख रहे हैं एस्ट्रिक ऑफ डीपी, तो एक जो पॉइंटर बना है, एक जो पॉइंटर बना है जिसमें ये 6 के स्टोर है, उसका नाम है डीपी। तो जब हम एस्ट्रिक डीपी लिख रहे हैं तो इस 6 के पर पड़ा हुआ आंसर डेट इज 50 प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली बुलियन के लिए भी, तो एक बार मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
हमने एक सबसे पहले बनाया इंटीजर के लिए 4 बाइट्स का मेमोरी, 4 बाइट्स का मेमोरी, अभी इसको एरे मत समझना, एक डबल टाइप के डेटा टाइप के लिए हमने 8 बाइट्स की मेमोरी बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बूलियन टाइप के लिए 1 बाइट की मेमोरी बनाई। इसका नाम है हमारा आई, इसका नाम है हमारा डी, इसका नाम है बी। यहाँ पर शोर हो रखा है ट्रू, यहाँ पर शोर हो रखा है 50, 50.0, और यहाँ पर शोर हो रखा है 5। अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर बना रहा हूँ जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। इसका लेट सपोज एड्रेस है 4K, पहली बाइट का एड्रेस 4K है, इसकी पहली बाइट का एड्रेस है 6K, इसकी पहली बाइट जिसमें तो एक ही बाइट है उसका एड्रेस है 8K। तो अब जो इंटीजर का पॉइंटर बनाया आईपी, वहां पर शोर हो जाएगा 4K, जो डबल का पॉइंटर बनाया डेट इज डीपी, उसमें शोर हो गया 6K, जो बूलियन का पॉइंटर बनाया उसमें शोर हो गया 8K। तो अभी तक तो सब सही जा रहा है, मतलब एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर में हमने 4K शोर कर लिया, एक डबल टाइप के पॉइंटर में हमने 6K शोर कर लिया, एंड सिमिलरली बुलियन टाइप का। लेकिन आखिरकार हमें पॉइंटर में डेटा टाइप बताने की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें बताने की जरूरत क्यों पड़ी, ये जो पॉइंटर है ये एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, ये जो पॉइंटर है ये डबल को पॉइंट कर रहा है, ये जो पॉइंटर है बुलियन को पॉइंट कर रहा है, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो रीजन आप साफ साफ देख ही पा रहे हो भैया, जब हम इस पॉइंटर के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम क्या देखेंगे, 4 बाइट्स में क्या वैल्यू पड़ी है उसको डिकोड करो और उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। डबल पे 8 बाइट्स में जो वैल्यू पड़ी है उसमें किसी तरह डिकोड कर दो वापस से, बेसिकली जो एनकोडेड वैल्यू होगी फॉर्मेट बाइनरी फॉर्मेट में उसको वापस 50.0 ले आओ, जो बूलियन में यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी उसको वापस से ट्रू बना दो। तो जब हमने एस्ट्रिक ऑफ आईपी लिखा, एस्ट्रिक ऑफ डीपी लिखा, एस्ट्रिक ऑफ बीपी लिखा, इन सब कामों के लिए हमें कितनी बाइट्स ले रखी है वेरिएबल ने वो निकालनी पड़ेगी, डी ने कितनी बाइट्स ले रखी है वो पता होनी चाहिए हमें, बी ने कितनी बाइट्स ले रखी है वो पता होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप नहीं बताता पॉइंटर का, यहाँ पर मैं पॉइंटर का डेटा टाइप नहीं बताता तो क्या गलत हो जाएगा, आप देख ही पा रहे हो क्या गलत हो गया। हमें पता ही नहीं है कि भैया ये जो आईपी पॉइंटर है इसमें जो एड्रेस पड़ा है वो एड्रेस किस टाइप का है, वो कितने बाइट्स ले रहा है हमें पता ही नहीं है, वो इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट्स ले रहा है हमें पता ही नहीं है, अगर हमने पॉइंटर का बेसिकली हमने अगर टाइप नहीं बताया तो। सिमिलरली जो डबल पॉइंटर है अगर डबल नहीं बताया तो हमें कैसे पता ये जो 6K पर पड़ा है यहाँ से हमें 8 बाइट्स देखनी है, हमें 8 बाइट्स देखनी है हमें पता ही नहीं। सिमिलरली बूलियन में हमें 1 बाइट देखनी है और वैल्यू जो श्योर होगी वो ट्रू या फॉल्स होगी हमें पता ही नहीं। तो भाई ये काम डी रेफरेंसिंग के लिए हमें बेसिकली पॉइंटर्स का डेटा टाइप तो बताना ही पड़ेगा। तो पहला रीजन जो आज की क्लास में हमने देख लिया वो क्या देखा, ड्यू टू डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर वी नीड द पॉइंटर्स डेटा टाइप, कि किस टाइप का पॉइंटर बनाना है वो पॉइंटर का डेटा टाइप हमें शोर करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, हमें अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना है तो इंट स्टार लिखना पड़ेगा, सिमिलरली डबल का तो डबल स्टार और बूलियन का तो बूलियन स्टार। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर जैसे मैंने सबका साइज प्रिंट करा है इंटीजर का, एक डबल का, एक बूलियन का, सिमिलरली मैं इनके पॉइंटर्स का साइज प्रिंट करूं तो वो क्या प्रिंट होने वाला है, सोच समझ के बताना। जो डायग्राम है ये रहा आपके पास, इंटीजर पॉइंटर्स 4K पड़ा है, डबल पॉइंटर में 6K पड़ा है, बूलियन पॉइंटर में 8K पड़ा है। मैं दिखाता हूँ अगर आपको ये लाइन लिख के, दैट इज अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ इंटीजर पॉइंटर का साइज, डबल पॉइंटर का साइज एंड बूलियन पॉइंटर का साइज, तो क्या प्रिंट होएगा, इस वीडियो को पॉज करो 2 मिनट एंड सोचो, क्या यहाँ पर 4 प्रिंट होगा, यहाँ पर 8 प्रिंट होगा, यहाँ पर 1 प्रिंट होगा या फिर कुछ और होने वाला है। ठीक है, आई होप आप सबने कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ क्या प्रिंट होएगा। और ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, हाँ तो बेसिकली क्या प्रिंट हो गया, 8 8 8, इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंटर का एड्रेस, पॉइंटर का साइज 8 बाइट्स आ रहा है, ये जो ब्लॉक बना है, ये जो ब्लॉक बना है, ये जो ब्लॉक बना है, ये तीनों 8 8 बाइट के बने हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप, ये भी 8 बाइट का बना है, ये भी 8 बाइट का बना है,
ये भी 8 बाइट का बना है भैया। वैल्यू तो एड्रेस ही स्टोर हो रही है, 4 के स्टोर हो रहा है, जो इंटीजर है वो तो 4 के पर स्टोर है, यही हम बता रहे हैं पॉइंटर को। जो डबल बना है 8 बाइट का बना है, उसमें जो वैल्यू स्टोर है 6 के, डबल पॉइंटर में तो 6 के ही स्टोर हो ना, डबल पॉइंटर में ये 8 बाइट छोड़े ना स्टोर है, डबल पॉइंटर में तो ये 6 के स्टोर है, बूलियन पॉइंटर में ये 8 के स्टोर है। अब जितना स्पेस हमें एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए लगाना पड़ता है, एक एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए, एक एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए, एक एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए, वो तो पॉइंटर जिस भी टाइप का बना हो वो तो सेम ही होगा। यानी एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर के लिए भी 8 बाइट्स लग रही होंगी अगर, तो वो डबल टाइप के लिए भी 8 बाइट्स लगेंगी, वो बूलियन टाइप के लिए भी 8 बाइट्स लगेंगी। या फिर कोई और भी अगर हम बना लें, कोई रैंडम, लेट सपोज एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले ली जाए बहुत लंबी सी, एक लेट सपोज मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, एक स्ट्रिंग str नाम की, उसमें बहुत लंबी सी स्ट्रिंग ABCDEFGHIJKLMN, बहुत लंबी सी स्ट्रिंग ले ली। अब इस स्ट्रिंग का अगर मेरे को एक पॉइंटर बनाना हुआ, स्ट्रिंग एस्ट्रिक, एस पॉइंटर नाम दे देता हूँ SP, और उसमें एड्रेस ऑफ str स्टोर कर रहा हूँ मैं, तो क्या प्रिंट होने वाला है? SP का साइज अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होने वाला है? क्या ये जितने कैरेक्टर्स हैं इस कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ काम होएगा, बाइट्स आएंगी? या फिर इरेस्पेक्टिव ऑफ कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, हमारा आंसर तो भैया जितना एक पॉइंटर लेता है उतना ही प्रिंट होने वाला है, उतना ही जितना एक पॉइंटर साइज लेता है। एक पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होएगा, और एक एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए जितनी बाइट्स लग रही है वो तो सेम ही है। तो दूसरी चीज हमने देख ली, पॉइंटर का एड्रेस, बेसिकली पॉइंटर का साइज, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंटर, पॉइंटर का साइज हमेशा सेम रहने वाला है। अगर इंटीजर पॉइंटर 8 बाइट का है तो बाकी सारे पॉइंटर भी 8 बाइट के होंगे, अगर इंटीजर पॉइंटर लेट सपोज किसी और कंपाइलर में 4 बाइट का होता, या किसी और आर्किटेक्चर में अगर वो 4 बाइट का होता तो बाकी सारे पॉइंटर्स भी 4 बाइट के होते। हमारा जो बेसिकली अभी जो आर्किटेक्चर है वो मोस्ट प्रोबेबली 64-बिट आर्किटेक्चर है, यहाँ पर हमारा जो साइज प्रिंट हो रहा है वो एक पॉइंटर का 8 बाइट हो रहा है। हो सकता है किसी किसी का आर्किटेक्चर 32 बिट हो, तो वहां पर पॉइंटर के साइज 4 बाइट्स आए, तो उसके लिए घबराना मत। लेकिन मेन बात यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है, सारे पॉइंटर्स के साइज जो होंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब रही बात थोड़ा बहुत पॉइंटर्स के साथ खेलने की, तो लेट सपोज इस डिस्कशन को यहाँ पर एंड करते हुए इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, और सिर्फ एक इंटीजर के साथ खेलते हैं। अब देखो, अगर आप इस इंटीजर में 10 शोर करवाना चाहो तो करवा सकते हो, इंटीजर में 10 शोर करवा लिया। अब अगर मैं इसको सिमिलरली ये जो ऊपर वाली लाइन लिख रखी है इसको प्रिंट करूँ तो क्या होगा? जो एड्रेस है वो तो सेम ही रहेगा, एड्रेस में तो कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं। ये जो एड्रेस बना है इसमें पहले 5 शोर था, अब 10 शोर होगा, एड्रेस तो 4K का 4K ही रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो गई। तो क्या चेंज हो गया? बस जो वैल्यू है यहाँ पर आई, और जब डी रेफरेंस करेंगे यूजिंग पॉइंटर तो यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर चेंज आया है तो जो पॉइंटर बनाया है उसमें 4K स्टोर करा है, तो 4K पर वैल्यू 5 से 10 हो गई है, तो डी रेफरेंसिंग ऑफ IP भी 10 देगा। तो एक बार चला कर देख लेते हैं इसको, क्या प्रिंट होना चाहिए? जो पहले एड्रेस प्रिंट हो रहे थे वो तो सेम ही, लेकिन वैल्यू अब दोनों जगह 10 10 प्रिंट होएगी, अब दोनों जगह वैल्यू 10 10 प्रिंट हो गई। अब अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आप इस वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहो यूजिंग आवर पॉइंटर, दैट इज यूजिंग आवर पॉइंटर एस्ट्रिक IP में अगर आप 15 डालना चाहो और आप सेम चीज प्रिंट करवाना चाहो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? हमने डायरेक्टली अगर इंटीजर वेरिएबल से वैल्यू चेंज करवानी चाहिए तो वो तो कर सकते हैं इजिली, आई को 10 बना दो तो यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा, यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा। अब एस्ट्रिक ऑफ IP में अगर मैं 15 डालता हूँ, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, जो IP में एड्रेस स्टोर है वो है 4K, वो है 4K, तो 4K पर जाओ जो वैल्यू थी 10 उसको मॉडिफाई करके 15 बना दो। तो इससे होगा क्या, आई में 15 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 15 आ जाएगा, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। तो एक बार प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं, अगर मैं तीसरी लाइन को प्रिंट करवाऊँ तो दोनों जगह से 15 15 आना चाहिए, 15 15 आ गया। यानी
जो काम हम मॉडिफाई कर पा रहे थे यूजिंग अपना वेरिएबल इंटीजर का, वो हम कर पा रहे हैं यूजिंग पॉइंटर, लेकिन पॉइंटर को डीरेफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर में तो एड्रेस स्टोर होगा, वैल्यू को चेंज करने के लिए डीरेफरेंसिंग तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब चौथा पॉइंट, लेट सपोज मैं बोलूँ इस पॉइंटर को किसी और इंटीजर में अगर आपको पॉइंट करवाना है, एक पॉइंटर, एक पहले तो इंटीजर बना लेते हैं, दूसरा लेट सपोज उसका नाम दे देते हैं i2, उसमें स्टोर कर लेते हैं लेट सपोज 20 या फिर 30। अब मैं बोलना चाहूँ अभी तो हमारा पॉइंटर i को पॉइंट कर रहा है, मतलब 4K को पॉइंट कर रहा है, अगर हमारा i2 जिसमें 30 स्टोर है, अगर एक बॉक्स बना i2 के लिए उसमें 30 स्टोर है, लेट सपोज इसका एड्रेस बन जाता है 10K, और जो पॉइंटर है वो अब मैं चेंज करवा के पॉइंट करवाने लग जाऊं, मैं आईपी को पॉइंट करवाने लग जाऊं एड्रेस ऑफ i2 पे, तो ये करवाना क्या पॉसिबल है? हाँ भाई पॉसिबल है, पहले वो 4K को पॉइंट कर रहा था, अब वो किसको पॉइंट करने लगेगा अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके 4K को हटा के क्या डाल दूँ, इस i2 की वैल्यू, इस i2 का एड्रेस दैट इज 10K, यहाँ पे अगर मैं 10K डाल दूँ तो अब वो किसको पॉइंट करने लगेगा, अब वो i2 को पॉइंट करने लगेगा। अब अगर मैं सेम काम करूँ, दैट इज i2 को मैं अगर प्रिंट करवाऊँ, सिमिलरली i2 का एड्रेस प्रिंट करवाऊँ, एंड एस्ट्रिक ऑफ आईपी एंड एस्ट्रिक ऑफ यहाँ पे आएगा नॉर्मल आईपी मतलब एड्रेस जो भी होगा i2 का, और एस्ट्रिक ऑफ आईपी यानी जो वैल्यू पड़ी होगी, तो दोनों जगह 30 30 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब हमने दूसरे एड्रेस को पॉइंट करवाने लग गए, 30 30 प्रिंट हो गया। ठीक है भाई, तो एड्रेस जो बेसिकली किसी भी वेरिएबल का, किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का, हम अपने इंटीजर पॉइंटर में शोर करवा सकते हैं यूजिंग ये वाली स्टेटमेंट। पहले वो पॉइंट कर रहा था एड्रेस ऑफ आई को, अब वो पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ i2 को। ठीक है, अब सिमिलरली एक बार इस बात को कंप्लीट ही कर लेते हैं, लेट सपोज अब मैं सिमिलरली ये जो काम है यहाँ पर दोबारा करूँ, यहाँ पर अब लेट सपोज मैं 50 कर रहा हूँ वैल्यू को, और अब इसको दोबारा प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज i2 एड्रेस ऑफ i2 आईपी एंड चार आईपी, तो क्या प्रिंट होने वाला है, 50 i2 का जो भी एड्रेस है, फिर आईपी में i2 का एड्रेस स्टोर है, तो दोबारा वही सेम चीज और स्टार ऑफ आईपी दैट इज 50। फिफ्टी फिफ्टी प्रिंट हो जाएगा। हुआ क्या है, जो आई है उसमें हमने 15 बना दिया है लास्ट टाइम पे, जो i2 है उसमें पहले हमने 30 स्टोर करवाया था, अब हमने 50 स्टोर करवा रखा है, और जो पॉइंटर है आईपी वो तो एक ही है, वो पहले पॉइंट कर रहा था आई को, अब वो पॉइंट करने लग रहा है i2 को। ठीक है, ये सब चीज़ें हो पा रही हैं हमारे यूजिंग पॉइंटर्स। इतने डिस्कशन अभी इस वीडियो के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हुए पॉइंटर्स अरिथमेटिक पढ़ रहे होंगे एंड थोड़े बहुत और एडवांस टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी, तब तक के लिए बाय।